अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज हम मौजूद हैं जी इस्लामाबाद में। हमने आज जाना है जी मुशपुरी टॉप। इधर से हमारा 2.5 घंटे का सफ़र है और 2.5 घंटे के सफ़र के बाद कोई 2.5 किलोमीटर की हमारी हाइकिंग है, कोई 52 किलोमीटर्स बनता है क्योंकि वो सारा ज़िगज़ैग है, इस वजह से सफ़र ज़्यादा होता है। इसी तरफ से जाएंगे हम मड़ी और मड़ी से आगे फिर नथिया गली वाली साइड पर जाएंगे। साथ है हमारे जी एहसन भाई और अब्दुल्ला भाई, पीछे तलहा भाई पीछे कैमरे के हैं, जो कि ये इंट्रो मेरा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एहसन भाई के साथ हम ऑलरेडी जो टूर अपना कर चुके हैं वो है जी हुंजा वाला टूर। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट पे आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त वो भी सीरीज़ थी। कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा भी हम आपको क्वालिटी कंटेंट दिखाएं और कोशिश की जाएगी कि आपको इस सफ़र में बोर ना करें। तो चलते हैं जी, काफ़ी हमने बातें कर ली हैं, चलो। तो जी अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, गोप्रो अपना हमने माउंट कर लिया हुआ है। लेफ्ट साइड पे मारगला हिल वाली साइड पे जो जाने का रास्ता है वो अभी गुजरा है, उसका कट जो एग्जिट था वो अभी आया था। श्रीनगर हाईवे पे हैं। हर बार मेरा सिनेमैटिक किस्म का इंट्रो रिकॉर्ड करने में तलहा भाई मेरी हेल्प करता है और इसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसी वजह से ये कैमरे के सामने नहीं आ पाता क्योंकि पीछे होता है कैमरे के। थैंक यू तलहा भाई। एहसन भाई सही चला रहे हो? अच्छी चला रहा हूं। गोप्रो यहाँ पे माउंट हुआ है उसी तरह जैसे हमने अपने प्रीवियस टूर पे किया था। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मुशपुरी टॉप। कितने किलोमीटर था? 73 किलोमीटर। और कितने देर का रास्ता? 2.5 घंटे। अभी इधर कश्मीर रोड भी हैं और इधर कोई फ्लाईओवर बन रहा है और ट्रैफिक का रश आप इस टाइम लैप्स में देख सकते हैं कि कितनी हैवी किस्म की बसी हुई है। और जहाँ तक लगता है कि यहाँ से निकलते हुए हमें आधा 1 घंटा लग जाएगा। ऑलरेडी हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा है और हम निकले भी आज लेट हैं, 12 बज चुके हुए हैं, काफ़ी देर के रश में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, मट्टी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी यार इस सिचुएशन में जब बिल्कुल गाड़ियाँ आपके साथ साथ लगी हुई हैं ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। अलर्ट रहना पड़ता है कि यार छिल ना जाए। पहला एक टोल प्लाजा आ गया मरी का। दो रूट जा रहे हैं हम, बेसिकली जा रहे हैं एबटाबाद मरी वाली डायरेक्शन में, दूसरी तरफ से वो डायरेक्ट मड़ी की तरफ जाता है ना, हमने यहाँ बाईपास से गुजरना है वो भी जाता है रूट। लेकिन ये जो है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप ये ज़रा शॉर्ट रस्ट है, तो हम इस रूट को लेंगे। वो आपको लश ग्रीनरी नज़र आने वाली है और ज़िगज़ैग रोड है, टाइम लैप्स में तो वो ऐसे ऐसे चल रहा होगा, तो इन्जॉय करें जी। अभी हम हाँ जी सही हो रही है जी ड्राइव, थके तो नहीं अभी? नहीं कहाँ अभी कहाँ थका, बेहतरीन। पिछली सवारियों की क्या सूरत हाल है? ईजी हो? तकरीबन आधा सफ़र हो गया हुआ है, 1.5 घंटे का सफ़र अभी रहता है। बहुत ही बेहतरीन सफ़र जा रहा है, साथ हमारे गपशप लग रही है सबके साथ। और अभी हमने जाना है पहले नथिया गली। नथिया गली पॉइंट से पहले ही एक एग्ज़िट आता है, वहाँ पे हमने गाड़ी पार करके 2.5 किलोमीटर की हाइक करनी है। और उस 2.5 किलोमीटर की हाइक में हम आपको सारे व्यूज़ दिखाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी देखते रहिएगा एंड तक, देखनी है आपने वीडियो, बहुत होने वाली है आज इंटरेस्टिंग।
टाइमलैप्स आपने देखा है, टाइमलैप्स के अंदर अभी हम मड़ी हमने अभी क्रॉस कर लिया हुआ है, अभी हम आगे जा रहे हैं। कितने किलोमीटर्स लेफ्ट हैं, कोई आइडिया? जी 41 किलोमीटर बस। अभी हम नथिया गली के रास्ते जा रहे हैं, मड़ी में हमने एंटर नहीं होना था, मड़ी बाईपास से हम इस तरफ आ गए हैं, क्योंकि मड़ी में हमारा कोई काम नहीं है। जो साइड पे लैंडस्केप है, व्यूज़ हैं, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल रिफ्रेशमेंट। ये जी तलहा भाई सो रहे हैं, साथ बैठे हैं जी अब्दुल्ला मनान। अभी एक टोल प्लाजा क्रॉस किया है, अयूबिया रोड पे ही है, तकरीबन 17 किलोमीटर और 35 मिनट है, यानी कि आधे घंटे का सफर हमारा रहता है। चला रहे हैं गाड़ी, अभी 3 बज गए, उम्मीद है कि हम पहुंच जाएं और मुश्कपुरी टॉप तक हाइकिंग कर सकें अंधेरा होने से पहले पहले। आई एम सो एक्साइटेड। पे रुके जी हम छली खाने, इस नज़ारे के साथ जी छली। तो जी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है, पीछे हमने वहां पे गाड़ी पार्क की है, ये आप देख सकते हैं पीछे व्यू। तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, वापसी पे ले लेना। वापसी क्या बताओ, नहीं मतलब भी आप सही ट्रैक जो है ना, वैसे अब स्टार्ट हुआ है। देखा जी ये बन रही है रील्स, अयूबिया नेशनल पार्क। 5 लोग थे हम, 100 रुपये लिया उसने। Oh,
इतना सुकून है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा, चासा आ रही, लश ग्रीनरी, फ्रेश एयर लेवल का। हसन भाई हिम्मत आया अभी? हाँ प्यास लगी, बस प्यास लगी। दुला भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक वोमिट रस्ते में ये कर चुका होगा? क्या कर चुका हूँ? वोमिट सो अभी ट्रैक शुरू की ही है तो साथ ही यहाँ पे अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। इधर एक हट बना हुआ था वहाँ पे रुके हैं, लेकिन रुकना नहीं चाहिए वैसे, ऐसे वेदर में जाते रहना चाहिए हमें? लेकिन हमारे पास जो कैमरा वगैरह है, मेरे पास उसका कोई ऐसी पैकिंग नहीं है जिसकी वजह से मैं कवर कर सकूँ, तो वो अब बादल के गरजने की आवाज़ देख ही सकते हैं, तो मुश्किल हो जानी फिर आगे, ये ना हो कि कोई एक्सेसरी ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर ज़रा कुछ रेस्ट कर लें, सांस ले लें, फिर हम आगे अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। बारिश रुक नहीं रही और हम यहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी दूर आए हैं और व्यू मिस हो जाए बनता नहीं। दुला भाई बहुत ज्यादा सांस चढ़ गया, सांस चढ़ गया, अभी भी दो डेढ़ घंटे, डेढ़ से दो घंटे का ट्रैक है। वो मसला नहीं हो रहे पड़े में, वो मसला नहीं है, बारिश का मसला, बारिश फुल हैवी शुरू हो गई है, मसला बारिश का है और कोई मसला नहीं है, मसला है कश्मीर, नहीं तो हम पूरा कर सकते हैं ये ट्रैक। आगे आगे जी लालासार वाइल्ड लाइफ पार्क, सांस काफी चढ़ गए और बारिश भी नहीं रुक रही। बस बारिश हो रही है आस्ता आस्ता, जो से हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड पे। इस आशियाने में आप हमें देख सकते हैं, हम ठहरे हुए हैं और कोई सलूशन नहीं आगे जाने का, हमारे जैसे और भी लोग हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं, ट्रैक इस वक्त टोटल खाली है, बहुत हैवी किस्म की बारिश हो रही है। Come on, let's go.
मौसम का साज है, इस वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। ज्यादा बारी हो रही है, पुल है भी और तेज हो गई है। अभी हम यहाँ रुके हैं, वेट करते हैं जी। हम वैसे तो प्रोग्राम बना के आए थे मुशपुरी टॉप तक जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सके, बारिश वगैरह तेज़ थी, ज़्यादा बारी थी। सो हमने फिर प्लान अपना किया पोस्टपोन, चाय वगैरह पिए, यहाँ से प्राइस खाए हैं, महंगे मिले हैं, जो कि इवन नथिया गली मड़ी वालों का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, काफ़ी महंगे इनको इनसे प्राइस मिले। सो अभी वैसे ट्रैक भी गीला है, कोई पता नहीं मौसम का, हम क्योंकि हमारे पास GPS और इंटरनेट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो एक्साइटमेंट है उस व्यू पॉइंट को देखने की, वो ख़त्म नहीं हुई। इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम कल, अभी हम नथिया गली जाके स्टे करते हैं, कल हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ जाएंगे और हम मुशपुरी टॉप तक जाएंगे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं जी आपसे कल, और तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। Thank you.